वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज मैं आया हूँ संजय झील और वो भी किसी कारण से आया हूँ। मास्क अब यहाँ पर उतार रखा है, बाकी तो मास्क पहनता रहता हूँ। दोस्तों मैं आया हूँ गिलोई ढूंढने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने बोला कि यहाँ पे मुझे जो है गिलोई मिल जाएगा, तो गिलोई की बहुत ज़रूरत है। घर में आप जानते ही हैं सब बीमार पड़े हुए हैं, आधे बीमार पड़े हुए हैं, और तो मैंने सोचा यहाँ से गिलोई ले जाऊँ। तो देखते हैं गिलोय कहाँ पर मिलता है और आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं आगे। झील का इलाका और यहाँ काफ़ी सुंदर बना दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय, और बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरे घर के पास ही है और ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहले नर्सरी यहाँ पर थी, अब नर्सरी यहाँ से हट के सामने जो है उस तरफ बता रहे हैं कि चला गया है। तो मैं जा रहा हूँ उस तरफ, अगर मुझे गिलोय मिल गया तो बहुत ही अच्छा, और नहीं मिला फिर भी पता तो करना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संजय झील है यहाँ पे, तो इस झील के नाम से यहाँ पे संजय झील पड़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, पहले से काफ़ी अच्छा सुधार कर दिया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टील बैरिकेडिंग यहाँ पे बहुत अच्छा बना दिया है। वाह, और ये संजय झील जो है पटपड़गंज में आता है। उस तरफ आप देखेंगे तो सामने हाईवे रोड है, और ये आप संजय झील यहाँ पर काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। पहले दिल्ली टूरिज्म का बोटिंग यहाँ पर सिस्टम था, लेकिन आजकल शायद बोट सब हटा दिए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही सुंदर आप जो देख रहे हैं नज़ारा, और मैं जा रहा हूँ इस समय गिलोय ढूंढने के लिए, और क्या पता शायद आगे मुझे मिल जाए। तो चलते हैं आगे की ओर। ये देखो संजय झील में कितनी बड़ी मच्छी भैया लोग ने पकड़ रखी है। क्या नाम है इस मच्छी का? तिलपिया। तो कैसे पकड़ा आपने? जाल से। ये लो एक मच्छी और आ गई। ले तो यहाँ तो मछली बहुत है यार, तो यहाँ पर लोग जो हैं जाल से मछली पकड़ रहे हैं। और वो देखो भैया दिखें, वो देखो दिखाते दिखता है कैसा पकड़ा है। और वाह, एक मछली ये और एक मछली ये पकड़ी। इसका नाम भी क्या है? सलपिया। ये भी सलपिया ही है। ये भी ले जाएगा। तो ये इसमें दिखा ना कांटे हैं, इसमें कांटे हैं। अच्छा जी, ये भी तिलपिया ही है। ये पालतू मछली इसमें डाल रखे हैं क्या? इसमें तो इसमें अलाव नहीं है, मना नहीं है अलाव है। अच्छा जी, जैसे कि भाई देखो कितना बढ़िया ढंग से मच्छी पकड़ रहा है वहाँ पे। वाह वाह, तो कैसे फंस जा रही है जाल में? अच्छा 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 अच्छा, वो देखो जाल में वहाँ फंस रहे हैं मच्छी। दोस्तों पहले मैं उस तरफ था और अब मैं इस तरफ आ गया हूँ। कुछ लड़के यहाँ पर नहा रहे हैं, मच्छियाँ पकड़ रहे हैं। इतने गंदे पानी में पता नहीं कैसे नहा लेते हैं यार। और आप देख रहे हैं सुंदर वन संजय झील, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। और मैं जा रहा हूँ इस समय गिलोय ढूंढने के लिए। आज मुझे गिलोय जो है हर हालत में ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं और जाना पड़ जाए जाऊँगा, पर गिलोय लेके जाऊँगा। चलते हैं आगे। मित्रों इतना बड़ा पार्क छान मार दिया, पर कहीं पर मुझे गिलोय अभी तक नज़र नहीं आया। अब कुछ लोग कह रहे हैं इधर को जाओ, कुछ बोल रहे हैं इधर को जाओ, समझ में नहीं आ रहा। अब इतना बड़ा पार्क है ये, मैं करीब करीब 1 किलोमीटर इस पार्क में घूम चुका हूँ पूरा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस तरफ से आगे से आया था मैं, इस तरफ को पूरा पैदल आया हूँ इधर को, तो करीब 1 किलोमीटर घूम चुका हूँ, अभी तक मुझे गिलोय नज़र नहीं आई। चलो चलते हैं आगे, जा देखते हैं एक बार। गिलोय मुझे मिल चुकी है, गिलोय अपने लिए लाया हूँ तोड़ के, और ये मिली मुझे सामने वाले जंगल में। तो वहाँ से तोड़ के मैं इतना सारा गिलोय ले आया हूँ। अब मैं इसका घर में टुकड़े करके पानी बनाऊँगा और तब घर में इसका सेवन करूँगा। तो दोस्तों आप भी अगर कहीं जा रहे हो तो गिलोय ज़रूर लाना। और मेरे को तो करीब घर से 3 किलोमीटर आगे जाके मिल चुका है, और वो भी संजय वन में। और अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे इसकी करनी है पहचान कि ये कहीं गिलोय है या कुछ और है, तो किसी जानकार से पूछूंगा तो वो मुझे बताएगा, तभी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। और चलते हैं आगे की ओर, आपको थोड़ा सा संजय झील का नज़ारा दिखाऊँगा। संजय झील जो है करीब 3 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और बहुत लंबा है। आगे सामने भी झील है, दिखाते हैं आपको। तो कि अगर
कहते हैं दोस्तों कि अगर किसी काम को ढंग से लगन से अगर किया जाए तो वो सफल ज़रूर होता है। तो मेरे को भी ये सफल ही हुआ। एक्चुअली मैं एक बार मैं हार गया था, मैंने कहा अब ये ग्लोई नहीं मिलता है यहाँ, तो मैं वापस जाने लग गया था और आखिर में ये मिल गया है। ये सामने जो आप देख रहे हैं संजय झील है ये पूरा, तो ये करीब 3 किलोमीटर फैला हुआ है और आप देख सकते हैं सामने का जो नज़ारा है, सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये त्रिलोकपुरी का एरिया है पूरा। और वो जो सामने जहाँ पर मेट्रो का पिलर दिखाई दे रहा है सामने, वो जो है वो खिचड़ीपुर एरिया आता है पूरा, कल्याणपुरी खिचड़ीपुर। तो ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है संजय झील और लास्ट में पटपड़गंज तक, तो करीब 2.5-3 किलोमीटर से पड़ जाता होगा तो इसका एरिया है। तो बहुत ही सुंदर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए अगर आप यहाँ आते हैं या हम लोग आते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, आज मेरे पर पड़ी थी गिलोय की, तो इसलिए गिलोय की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज जो मैंने आपको दिखाया। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आखिर में मैं जो है इतने सारा गिलोय ले आया, अपने अड़ोस पड़ोस में भी बांटूँगा, सबको दूँगा यहाँ पर। और ये मिला मुझे संजय झील में, बहुत ही मशक्क़त के बाद इतना सारा मिला मुझे ये। और आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा झील है, बहुत बड़ा झील आप देख सकते हैं बिल्कुल। और मेरे को जो है सामने जाना है इधर, तो ये मयूर विहार फेज 2 पड़ता है और ये पड़ता है मयूर विहार फेज 1। तो मैं जाऊँगा अभी, यहाँ पर बीच में पुल है, पुल पार करके सीधा मुझे निकलना है, चलते हैं पुलिया पर। आ चुका है पुल और आप देख सकते हैं कितना दूर तक ये फैला हुआ है, ओ आगे तक। और आप देख सकते हैं नज़ारा। तो अब मैं जा रहा हूँ इस पुल से, चलते हैं। तो अब ये आ गया पुल, एक एडवेंचर पुल यहाँ पर बना रखा है दिल्ली टूरिज्म या DDA ने, शायद DDA ने बनाया है। तो एक इसकी वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ और आज फिर बना रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इतना बढ़िया नज़ारा। तो यहाँ से फुल नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, और ये देखिए आप, वो उतनी दूर से मैं आ रहा हूँ, करीब 2-2.5 किलोमीटर चल के अब मैं जा रहा हूँ अपने मयूर विहार की तरफ। और ये हिल रहा है पूरा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये सामने जो है मेरा मयूर विहार फेज 1 आ गया है। और एक नज़र और मार के आपको दिखा देता हूँ पूरा, ये है पूरा संजय झील का नज़ारा और आप देख सकते हैं पूरा। तो यार दोस्तों अब मैं अपने घर के पास आ गया हूँ और सीधे घर निकल रहा हूँ। हो सके तो घर में आप भी इस्तेमाल करना गिलोय का, हफ्ते में एक बार बस, ज़्यादा इसको पीना ठीक नहीं है। एक टुकड़ा इसको दबा के और पानी में उबाल के इसको आधा कप हफ्ते में एक बार ज़रूर पिएं, ये बहुत शरीर में फ़ायदा करता है और ज़्यादा पियेंगे तो नुकसान भी करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।